अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज से जो है ना, मैं शुरू करने जा रहा हूँ कारफाल सेल सिम्युलेटर की जो है वो सीरीज़। तो इंशाल्लाह इसमें आपको मज़ा आएगा। तो जी इसकी वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना अपलोड किया करूँ, तो मज़ेदार सी वीडियोस आप तक पहुँच ही रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो जी यहाँ से सीधे चलते हैं अपने ऑफिस पे। यार मैं वैसे सोच रहा हूँ कि अपने जो है ना ऑफिस को उसको अपग्रेड कर लूँ। सबसे पहले ये कचरा को यहाँ पे फेंक गया, उसको उठा के जो है ना फेंक दें डस्टबिन में। ये लास्ट रहता है, उसको भी उठाते हैं और फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर। अब यार ऑफिस अपना खोल लेते हैं और सबसे पहले जो है ना मैं अपना टैबलेट निकाल लूँ और ट्राई करता हूँ, या पहले इस गाड़ी को सेल आउट कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं यार अपने जो है ना आज ऑफिस को अपग्रेड करेंगे हम लोग। बस कोई कस्टमर आ जाए, अभी फ़िलहाल चेक कर लें कि अपग्रेड पे कितने पैसे लगते हैं। तो जी ये एरिया को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे जो है ना $2 लाख मांग रहे हैं। खैर ये नीचे टू वैन जो है ना वो थी, ये मैं परचेज कर चुका हूँ पहले से। कस्टमर फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा। आज मार्केट प्लेस जो है ना वो भी बंद है, नेबरहुड चलते हैं, वहाँ पे जाकर कोई गाड़ी पसंद करते हैं। यार ये घर कितने का? $60,000। खैर पहले ऑफिस का कुछ करते हैं, उसके बाद घर भी देखेंगे। अभी यार हम लोग जो है ना अपने जहाँ पे देखा गेम जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो जो घर था वहाँ पे मैं उसी में रह रहा हूँ फिलहाल। ये बंदा जो है ना होंडा की गाड़ी लेके खड़ा है यहाँ पे, 1996 मॉडल, और 2460 डॉलर जो है ना वो डिमांड कर रहा है। तो उससे बार्गेन करते हैं, इसको लाते हैं 2250 रुपये पे। तो जी ये हमारी डील अलहमदुल्ला डन हो चुकी है। गाड़ी को हम लोग सीधा टो करवा के भेजते हैं अपने ऑफिस में। एक ये गाड़ी है यहाँ पे, फीएट है जी। तो जी इसकी डिमांड है 11,019 रुपये। तो जी इससे हम लोग बारगेन करते हैं 9,026 रुपये में। बचत करनी है ना भाई साहब अपनी। हाँ ये इसने भी गाड़ी दे दी। आपका भाई जो है ना वो जी बहुत बड़ा जो है वो डीलर बन चुका है इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर इसको भी हम लोग चलाते नहीं है, शिशके में नहीं आते, इसको भी हम लोग सीधा भेजते हैं अपने ऑफिस के अंदर। तो इसको भी हम लोग टो करवा देंगे। मार्केट आजकल जो है ना वो मंदी चल रही है, आपने देखा कि अभी तक जो है ना ऑफिस पे कोई कस्टमर नहीं आया। अगर कोई कस्टमर वगैरह कोई आ जाता तो यहाँ पे हमें जो है ना वो ये ऊपर नोटिफिकेशन शो हो जाना था। खैर इससे बार्गेन कर लेते हैं, 27,000 चाची पैसे मांग रही हैं, तो इसको हम लोग करते हैं 22,058 रुपये। आपका भाई जो है ना बड़ा एक्सपर्ट हो गया। इस गाड़ी को फिलहाल लेके चलते हैं, नई गाड़ी ढूंढने तक के लिए। यार इसका साउंड तो बड़ा अजीब आ रहा है फिलहाल। खैर चेक करते हैं। ठुक गई भाई। खैर लेकिन कस्टमर इन द ऑफिस, चलें पहले ऑफिस चलते हैं, उसके बाद जो है अपने मामला देखते हैं। ऑफिस जाने का वैसे जो है ना एक शॉट, ये फिर से ठुक गई। वो गाड़ी सेल हो ना हो जो है ना, मैंने ये वाली गाड़ी अपनी दबा कर ली। चलें तो यार मैं जो है ना काफ़ी 3-4 दिन से ये वाला गेम प्ले जो है वो खेल रहा हूँ, मतलब ना, तो इस वजह से इस टाइम मेरे पास 6,24,000 डॉलर जी। ये अपनी दोनों गाड़ियाँ जो है ना मैंने डैमेज कर ली। ये हमारे पास कस्टमर आ चुका है,
तो जी ये कस्टमर इस टाइम पे रेट लगा रहा है हमारी गाड़ी का 41,983 डॉलर, जो कि हम लोगों ने परचेज़ की थी 38,569 डॉलर गालबन। तो इससे पूछ लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली अगर राउंड फिगर देखें तो 42,000 कर रहा था। नहीं भाई मैंने नहीं भेजी, तू जा सकता है। तो जी इसको बार्गेन हम करते हैं थोड़ा सा, तकरीबन मैंने अगर राउंड फिगर में चेक करूँ तो मैंने रेट लगाया हुआ है 46,000, तो इसको मैं करता हूँ 43,569 रुपीज़। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो गाड़ी सेल हो चुकी है। अब इस गाड़ी को उठाता हूँ मैं यहाँ से, इसे जो है ना भेजते हैं रिपेयरिंग के लिए, इस गाड़ी को भेजते हैं रिपेयरिंग के लिए, और इसको खैर आने जाने के लिए रख लेते हैं फिलहाल। तो जी ये ट्रैश उठाते हैं यहाँ से और इसको डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं। तो जी इस टाइम जो है ना, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है असद मलिक गेमिंग के नाम से, असद मलिक गेमिंग के नाम से ना। तो अभी जो है वो टैबलेट पे हम लोग जो है वो अपग्रेड करते हैं इस ऑफिस को। तो इसको हम लोग ये जो है ना, ये हम लोगों ने परचेज़ कर लिया, और इसमें जो है हमारे पास ये देखें, पहले यहाँ पे सिर्फ 6 से 7 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे पास अच्छा खासा स्पेस बन गया, और इस स्पेस को भी हम लोग डेकोरेट करेंगे। तो फिर से टैबलेट निकालेंगे अपना, टैबलेट पर जाके डेकोरेशंस आउटसाइड। तो ये जी हम लोग बॉर्डर कर देंगे सबसे महंगे जो है ना, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा भाई के पास। इसके बाद इसका फ्लोर चेंज करेंगे, फ्लोर सबसे महंगा करेंगे भाई, अपना ऑफिस है ना यार, कौन सा बेचना है हम लोग ने। ये भी हम लोग सबसे महंगा वाला करेंगे 10,000, वैसे इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है। ये कैसे है, ये अच्छे है वैसे, ठीक हो गया जी। अब इसका इन डिज़ाइन, हाँ ये ठीक है, फ्लोर देख लेते हैं इसका। ये ठीक है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना ऑफिस वो रेडी हो चुका है, ऑफिस को यानी कि हम लोगों ने अपग्रेड कर लिया है इस टाइम पे। तो इसकी अपग्रेड होने के बाद जो है ना कोई लुक इस तरह की आ रही है, ये माशाल्लाह अंदर से इस तरह का है। खैर तो अब गाड़ियाँ जो है ना उनको हम लोग एक एक करके यहाँ पे खड़ा करना शुरू कर देंगे। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, कोशिश करूंगा यार मैं जो है ना सेडान गाड़ियां जो है ना वो एक साइड पे लगाऊं, एक साइड पे खड़ी करूं, और जो है ना कोई नॉर्मल मतलब गाड़ियां तो वो एक साइड पे खड़ी किया करूं, और इसके अलावा एसयूवीज जो हैं हमारी उनको जो है ना वो अलग से खड़ी किया करूं। तो खैर बगैर देर की गाड़ी के अंदर होते हैं और इसको लेके चलते हैं अपने नए वाले या मतलब अपग्रेड किए हुए शोरूम के अंदर। अभी ना मैं थोड़ा सा कच्चा ड्राइवर, चलो ये मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ परचेज़ करने के लिए निकलूँगा, और आज जो है हमें सारी परचेजिंग जो है वो नेबरहुड से करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट प्लेस आज ना तो ऑप्शन ओपन है और ना ही जो है ना वो आज जो है ना मार्केट प्लेस हमारा ओपन है। तो मेरा जी काफ़ी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस हो चुका है गाड़ी चलाने का इस टाइम पे, क्योंकि मैं बगैर देख के रिवर्स करके गाड़ी को ले आया हूँ बाइक। तो
सेडान एक साइड पे। वैसे इसको बोलते सेडान है ना, ये मैं मतलब गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी रहनुमाई कीजिएगा, लेकिन ब्राय करम सॉफ्टवेयर अपडेट ना कीजिएगा। तो ये गाड़ी तीन हमारी माशाल्लाह से यहाँ खड़ी हो गई है, अब चलते हैं नेबरहुड में दोबारा से। तो यार ये जो है ना, जब हम थोड़े से अमीर होंगे एक तो ये सामने वाला घर परचेज करेंगे, इसके अलावा जो है ना हम लोग अपने लिए एक स्पेशल सी गाड़ी रखेंगे जिसपे हम लोग सिर्फ मतलब ना कि सफ़र की मतलब ये ट्रैवल किया करें, क्योंकि जब भी हम लोग बस पे आते हैं तो $10 जो है उसके लिए हमें पे करना होता है। तो ये आप ही जो है हमसे $41 मतलब $1000 जो है वो डिमांड कर रही हैं। तो इनको जो है ना यहाँ पे हम लोग लाएंगे नीचे, और कितना नीचे हम लोग ले आए, इनको लाते हैं हम 36958 पे। यार आपका भाई बड़ा एक्सपर्ट हो गया है, इसको टो करवा देते हैं, ये सीधी हमारे ऑफिस पे चली जाएगी। और ये ट्रक देखते हैं भाई, ये भाई है बाजी है, 2003 का मॉडल है। तो भाई सब डिमांड कर बाजी हैं, भाई जो भी हैं ये डिमांड कर रहे हैं राउंड अबाउट 6000। तो इनको हम लोग करेंगे 5369, होपफुली ये मान जाए इस पर। यार आपका भाई एक्सपर्ट हो गया सर जो है ना, इसको भी हम लोग टो करवा देंगे। गाड़ियां नहीं दिख रही हैं और कहीं पे। मैंने जब ये गेम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो है ना मेरे पास गालबन $7500 थे, हाँ 7500 डॉलर थे यहाँ पे मेरे पास। तो अब देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है। 50,000 ये मांग रही है बाजी, बाजी क्या हो गया आपको? तो जी बाजी को एक कोटेशन दे दिए मैंने, लेकिन लगता नहीं ये मानेगी। यार आपका भाई एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा, हमने सारी उम्र काम ही ये वाला किया है। ओह शिट, अभी मैंने गाड़ी भिजवाई है, साथ ही जो है ना शाम हो गई है। तो खैर यहाँ से मैं बस पे नहीं जाऊँगा, पास में ही हमारा घर है मतलब कंटेनर है, आपने देखा ही था। हम लोग चलते हैं उधर और सुबह जो है ना वो परचेजिंग के लिए वापस आ जाएंगे। हमारा ऑफिस वैसे इस टाइम पे खुला है, तो होपफुली वहाँ पे जो है ना वो कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। ये इतना सा जो है वो डिस्टेंस कवर करना था, और इसके लिए भी जो है ना हमें $10 देने पड़ने थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं पैदल ही जो है ना यहाँ तक चला जाता हूँ। तो ये स्लीप, आज हम लोगों ने सिर्फ परचेजिंग की है, अर्निंग जो है वो सिर्फ मेरा ख्याल है एक गाड़ी की हुई है हमें, इसलिए वो माइनस में दिखा रहा है। तो जी ये यहाँ से दोबारा हम लोग जो है ना वो चलते हैं नेबरहुड की तरफ, सॉरी गलत जा रहे हैं हम लोग शायद, यार $10 दे ही देते हैं, कौन सी आफत आ जाएगी। तो जी ये हम लोग दोबारा से पहुँच चुके हैं नेबरहुड पे, यहाँ पे यार ये गाड़ियाँ वैसे मेरा ख्याल है होती काफ़ी सस्ती हैं, ये हमारे जो है पाकिस्तान में इसको खैबर टाइप कहते हैं। नहीं यार यहाँ पर तो ये $20 में दे रहा है, ये तो मेरे लिहाज से काफ़ी महंगी है। तो खैर इस पे जुगाड़ लगा के देखते हैं, ये वाला शायद से काम कर जाए। नो जी अनफॉर्चुनेटली ये मेरी फर्स्ट डील इस वीडियो की जो है ना ये कैंसिल हुई है, तो मेरा ख्याल है ये भी डील नहीं मानेगा अगर ये नहीं माना तो। अल्हम्दुलिल्लाह ये डील डन हुई। तो जी इस गाड़ी को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, टो करवा देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हमें ऑफिस में लेके जानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कोई अच्छी सी गाड़ी जो है ना वो लेके चलते हैं ऑफिस की तरफ, और वहाँ पे उनको सेटल करके उसके बाद जो है ना दोबारा से वापस आ जाएंगे।
आज मार्केट प्लेस ओपन है, इसके बाद जो है ना आपके लिए जो है वो मार्केट प्लेस चलते हैं, आपको मार्केट प्लेस का विजिट करवाते हैं। 9648 रुपीज़ जो है ना ये मांग रहा है, इसको हम लोग करते हैं 9268। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी भी हमारी, इसका इंजन स्टार्ट करेंगे और इसको लेके चलते हैं। इसके अंदर जो है ना वो रेसिंग किट वगैरह जो आई थिंक सो इंस्टॉल्ड है, तो रास्ते में देखते हैं अगर मार्केट प्लेस की साइड से हम लोग उठते हुए जाएंगे तो फिर मार्केट प्लेस का भी जो है वो विजिट कर लेंगे अभी, अगर नहीं तो फिर जो है वो बाद में चले जाएंगे। गाड़ियाँ तो वैसे हमें यहाँ से भी अभी काफ़ी ज़्यादा मिल सकती थी, लेकिन गाड़ियाँ हम लोग जो है ना वो मज़ीद तो फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि तो पहले ही हम लोगों ने जो भेजी थी ये हमारा घर है। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रेस करा रही हूँ, तो इस तरह से भी जो है ना वो गाड़ी परचेज करूँ। मैंने पहले ही बताया था कि मेरी ड्राइविंग जो है ना वो काफ़ी चलती है। तो ये सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे खड़ी हैं, हमारे यहाँ पे जो है वो काफ़ी कचरा भी जो है वो, अभी ये कौन सी है, सेडान गाड़ी है या हैचबैक, तो चलें खैर इसको हम लोग सेडान के जो है ना वो पार्किंग में पार्क कर देते हैं, इसके बाद ये कचरा उठाएंगे यहाँ से। और इस पर हमारे जो है वो स्किल लेवल जो है वो बढ़ता है, मतलब हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो एक्सपीरियंस में हमारे में इजाफा कर देते हैं वो गेम वाले, पता नहीं इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये देखो ये जिनको मैंने जो है ना वो पार्किंग के लिए दी थी गाड़ी, या मतलब वो छोड़ने के लिए दी थी गाड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ये ट्रक कहाँ पे लगाएंगे, तो जी इसीलिए वो बंदा जो है ना वो इतने सस्ते में देने के लिए तैयार था, ये तो बात ही नहीं रही यार। खैर देखते हैं कभी कुछ, तो हाँ ये लगा देते। तो भाई साहब आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो है ना वो मेरे पास कस्टमर कोई नहीं आया, तो कस्टमर बुलाने वाला जो है वो काम मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ जो है ना वो मैं गाड़ियाँ परचेज़ करके लाऊँगा और उनको अपने जो है वो शोरूम के अंदर खड़ा कर दूंगा। ये फिलहाल जो है ना यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको जो है वो हम लोग लगा देंगे दूसरी छोटी गाड़ियों वाली जगह पे। तो अभी सीधा मैं चलूँगा दोबारा से मार्केट प्लेस के अंदर और वहाँ से जो है ना वो गाड़ियाँ परचेज़ करके हम लोग लाएंगे। सबसे पहले ये SUV माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी लग रही है, इसको चेक करेंगे। तो ये 25 मतलब 26,000 जो है वो डिमांड कर रहा है, इसको करेंगे 22,365। तो जिसको ऑफ़र करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये हमारी ऑफ़र को ना नहीं कर सकेगा, और यही बात हुई इसको हम लोग करेंगे जी टो। अब ये दूसरी गाड़ी ये देखेंगे, इसके रेट वैसे कम ही होंगे मेरा ख्याल है। हाँ इसको खैर क्या कम करना है, 85 करेंगे इसको, 1785। तो ये लो जी ये हैं आपके डॉक्यूमेंट, तो इसको हम लोग गैराज के अंदर भेज देते हैं। इसके अलावा यार ये गाड़ी बड़ी महंगी होती है, ये मेरा ख्याल है कम से कम भी 3 लाख या 2 लाख से ऊपर डिमांड करेगी भाजी भैंस की। दो चलते हैं यहाँ से भाई, इसको चेक कर लेते हैं, वैगन है कोई गालबन, 64,000 कर ले रही डिमांड, तो इसको हम लोग कर लेंगे 45,659। होपफुली ये मान जाए। हाँ ये मान गया था,
इसको पकड़ेंगे यहाँ से और स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इसको बंद करेंगे। इसको भी जो है वो सामने वाले गैराज में भिजवा देंगे। ये गाड़ी भी अच्छी सेल होती है। खैर एक लाख 78,477 रुपये की गाड़ी, उसको बार्गेन करके लाते हैं 1,33,000 और 399 रुपये पे। तो जी नॉट एक्सेप्टेबल, मैंने समझा कि ये मान गया शायद। तो यहाँ पे कर लेंगे 43,399। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अपनी हुई, इसको भी हम लोग टो करवा देते हैं। एक गाड़ी हम लोग और टो करवा के जो है ना आगे वाली गाड़ी हम लोग साथ लेके जा सकते हैं। यार ये भी एक देख लेते हैं। अब खैर गाड़ियों का इतना जो है ना वो मुझे इलम जो है ना है कोई नहीं, गाड़ियों का जो है ना वो इतना इलम है कोई नहीं। पता नहीं ये क्रॉस ओवर आई हैं मतलब किस किस्म की गाड़ियाँ। तो ये मांग रही है 35,000 राउंड अबाउट, तो हम इसको कर लेंगे 32,658 रुपीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी ऑफर को हाँ अलहमदिल्ला ने मान लिया। तो जी ये भी गाड़ी हम लोग टो कर देंगे। अब इसके अलावा कौन सी गाड़ी हम लोग साथ लेके जाएं? जी ये गाड़ी तो कह लेते हैं 7 सीटर गाल बनी है, ऑटोमेटिक गियर है, ये बड़ी सस्ती गाड़ी है यार। तो जी इसकी ऑफ़र हम लोग क्या दें इसको, 59,000 डॉलर का फ़र्क है शायद, मान जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह डील डन हुई हमारी। तो जी इसको लेके चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। ये स्टार्ट होते होते एक दफ़ा बंद हुई है, मतलब इसका साउंड जो है ना ये देखिए ज़रा। तो मैंने समझा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती शायद, ये डील गलत कर ली है। तो खैर इसको लेके चलते हैं हमने गैराज की तरफ। यार उससे तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ था, ये तो गेयर लगा रहा बात है, ये तो स्कैम नहीं हो गया? तो जी ये जो तीन गाड़ियां टो करवाई थी ये हमारी जो है वो टोइंग वैन, हाँ सॉरी टोइंग वैन बोलते हैं उसको, ये वो छोड़ दी हुई है। बाकी गाड़ियां जो है वो सामने हमारी वो जहाँ पे गाड़ियां रिपेयर होती हैं वहाँ पे खड़ी हैं। तो उसको लगाते हैं यहाँ पे, अगली गाड़ी पकड़ते हैं उसको भी यहाँ पे खड़ा कर देंगे। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी सबसे महंगी गालबन हम लोगों ने परचेज की, इससे महंगी अभी तक कोई गाड़ी भी जो है ना इस गेम के अंदर मैंने परचेज नहीं की। दो गाड़ियों की और जगह बनानी है यहाँ पे। ये एक तरह की दो गाड़ियाँ गालबन फोर सौ, खैर कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ। चलते हैं जी आगे। दो गाड़ियाँ जो हैं हम लोगों ने रिपेयरिंग के लिए जो भेजी थी उनको पकड़ के ले जाते हैं। खैर ये हम लोग जो है ना हर दफ़ा इन बेचारों के साथ स्कैम करते हैं, इनसे गाड़ी जो है ना वो रिपेयर वगैरह करवाते नहीं हैं और यहाँ पे भिजवा देते हैं। यार ये गाड़ियाँ जो हैं ये बड़ी फास्ट होती हैं, सस्ती हालांकि सस्ती हैं लेकिन जो है ना काफ़ी फास्ट होती हैं। उसको भी हम लोग ये जो है ना स्पीड वगैरह लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ हो
जी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है लंबी। तो जी ये रात हो गई है, गाड़ियाँ लगने के बाद हमारा शोरूम कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो जी यहाँ पे जो है ना, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग टैबलेट निकालेंगे अपना। पहले ही मैं सारा काम कंप्यूटर से करता था, वेब पे जाएंगे, वेब पे जाके जो है ना ये सारी एक कौन सी गाड़ी है जो अभी शोरूम के अंदर नहीं आई। ये तो स्कैम हो गया भाई के साथ, खैर इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि परचेज करने के बाद जो है ना गाड़ी जाती कहीं नहीं है। ये मतलब कि होता है ना कि बाकी गेम्स के अंदर भी ये गायब हो जाएगी, इसमें इस तरह का कोई सीन नहीं। अगर 10 दिन भी आप कहीं गाड़ी को छोड़ दें तो बोल के कहीं रह गए। तो खैर इसको हम लोग करते हैं 15,965 रुपये, इस तरह जो है ना उसकी प्राइसिंग लगा देंगे 35,365 रुपये, 55,698 रुपये। इसके अलावा फिर से देख लेंगे 1,43,000, तो इसको हम लोग कर लेंगे 2,09,000। खैर इसको दोबारा से चेक कर लेंगे जो गाड़ियाँ हम लोगों ने परचेज की हैं उनको। फिर इससे मुझे ये थोड़ा सा मतलब ना कि शिकायत है कि ये थोड़ा सा स्लो है ज़रा ना, तो कर्सर बोल देंगे जो भी है, तो उसको हम लोग फिर से करेंगे 55,698 रुपये। पचपन सौ वाली को कर लेंगे हम लोग 67,59, क्योंकि हम लोग देखते हैं मेरी 7 गाड़ियाँ जो हैं वो खेल के नहीं है, तो इसको 45,698 रुपये। तो ये कर लेंगे हम लोग 37,885 रुपये, 95 सौ। तो जी इसको हम लोग कर लेंगे 65,000 और जो है ना वो 98 रुपये। अभी 4 गाड़ियाँ जो हैं वो सेल पे नहीं है भाई, इसको कर लेंगे हम लोग 3,569 रुपये और इसको कर लेंगे 15,967 रुपये, इसको हम लोग कर लेंगे 35,698 रुपये। तो जी टैबलेट को बंद करेंगे, सारी गाड़ियाँ हमारी सेल पे हैं, ऑफिस हमारा खुला है, और हम लोग चलते हैं इस टाइम पे घर और सो के सुबह वापस आते हैं और आपको इनकी सेल दिखाते हैं गाड़ियों की। आज जो है ना हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग की है। तो ये सुबह हो चुकी है और ऑक्शन भी है आज की डेट में। तो जी सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने ऑफिस। यार एक गाड़ी वो कौन सी जो मैंने परचेज की है लेकिन मैं यहाँ पर लेके नहीं आया, मुझे तो फ़िलहाल उसकी समझ नहीं आ रही। तो कस्टमर आना शुरू हो गए हैं जी दुकान पे, सॉरी ऑफिस के अंदर या अपने हमारे शोरूम पे। तो जी इनसे आपको बार्गेनिंग भी करते हैं। यार इन गाड़ियों को मैंने जो है ना स्टार्ट तोड़ रही है, उसकी शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा जो है ना इसको मैं शोर को कम भी कर दूँगा और जो है आपको इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस से थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा। तो ये अराउंड अबाउट $3,300 दे रही है हमें, 2,200 की हम लोग परचेजिंग की थी, इसको थोड़ा सा हम लोग बच्ची को करते हैं 33,661 रुपये इससे मांगते हैं, होपफुल ये हमें दे देगी और ये गाड़ी के पेपर हम इसको देते हैं। तो ये एक गाड़ी सेल हुई, अभी ये तो कहाँ पे चले, हाँ ये है
से बात कर लेते हैं। तो जी ये गाड़ी हमारी जो है वो हम लोगों ने सेल पे लगाई हुई है, तो ये जितने में हमारी आई है उतने में ही हमसे परचेज कर दी, नहीं बिकी इतने की नहीं होगी 3998 दे दें आप आगे। तो आप 3098 रुपये दे दें, अगर आप नहीं मानती तो फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं आप गाड़ी लेंगे यार, जा सकते हैं। ज़्यादा लालच नहीं करके इसको गाड़ी दे देते हैं। खैर इन्होंने 2007 वाली मॉडल वाली जो है ना वो शेवरलेट खरीदी है, तो 15,000 हमारी डिमांड है, इसने लगाया हमें अप्रॉक्सीमेटली 11,000 इस पर, 12,040 रुपये होपफुली ये मान जाए, अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ना कर देंगे। ये अलहमदिल्ला हमारी गाड़ी सेल हो गई, तो क्रैश हम लोग ये जो है ना कूड़ा वगैरह उठाते हैं और यहाँ पर फेंक देते हैं। तो ये इनसे बात करते हैं, तो ये जी हमें पूरी पूरे रेट देने के लिए तैयार है, ये गाड़ी ये भी हमारी सेल हुई। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी पूरे पूरे रेट देने के लिए तैयार है, तो ये इनसे पूछ लेते हैं। इस टाइम पर मैं ज़्यादा लालच नहीं कर रहा, अभी मैं जो है ना प्रॉपर आपको डील करने से बात दिखाऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली जो है ना ये भी जो है तो ये पूरे पूरे पैसों में ये भी गाड़ी थी, तो ये गाड़ी भी गई हमारी। गाड़ी हम लोगों ने ढूंढ लिया कि कहाँ पे हम लोग परचेज करके छोड़ रहे हैं, ये जितने पैसों में हम लोगों ने वो जो है ना ऑफिस अपना तैयार किया था वो दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वापस आ गया ऑक्शन वाली गाड़ियों में, सॉरी ये मार्केट में तो नहीं है गाड़ी कहीं पर, ये हम लोग नेबरहुड में चेक करते हैं कहीं हम लोग यहाँ पर भी तो नहीं छोड़ रहा है कोई गाड़ी। गाड़ियाँ मैं साथ साथ भिजवाता रहा हूँ, लेकिन वो टैब पे बता रहे हैं कि आपने एक गाड़ी जो है ना वो परचेज़ की है जो ऑफिस के अंदर नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर कोई इस तरह की गाड़ी नहीं है। ये भी गाड़ी
नहीं है वो। फिर कौन सी गाड़ी ऐसी है जो हम लोगों ने परचेज की है और जो हम लोग छोड़ के आ गए हैं? खैर अब शायद से जो राज इससे पर्दा उठेगा वीडियो एडिटिंग के दौरान, लेकिन खैर हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पे। और ये हल्का फुल्का जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ पड़ा यहाँ, लेकिन हमारी कोई भी गाड़ी यहाँ पे इस तरह की नहीं खड़ी जिसकी हमने पेमेंट की हो और उसको लेके ना गए हों। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।